हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 7 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट हैज़ अप्रूव डैश करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑन लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कैबिनेट ने लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की, उन्होंने 1810 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को अप्रूवमेंट दिया है और ये प्रपोजल था लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। कितना था प्रपोजल? 1810 करोड़ रुपए का, और इस प्रोजेक्ट की क्षमता होगी 210 मेगावाट की और ये पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा सतलज रिवर पे। ओके, ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा सतलज रिवर पे। तो ये जो 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, लुहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सालाना लगभग 758.2 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा, क्योंकि ये बनाया जाएगा सतलज नदी पे। तो इसके लिए जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने MOU साइन किया है सतलज जल विद्युत निगम से और इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार भी सपोर्ट करेगी और इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार भी 66.19 करोड़ रुपये देगी वहाँ पर। इसके अलावा कुछ और MOU को अप्रूवमेंट मिला था इस कैबिनेट मीटिंग में, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत और स्पेन के बीच में एक MOU को मंजूरी दी गई है जो कि साइन किया गया है एस्ट्रोनॉमी में साइंटिफिक और टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए। ओके, एस्ट्रोनॉमी में वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग विकसित करने के लिए भारत और स्पेन के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिली है। उसके अलावा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच MOU को मंजूरी दी गई है और ये MOU साइन किया जाएगा भारत और UK के बीच में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और उसके साथ ही मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के सेक्टर में। तो इन दो सेक्टर्स के लिए भारत और UK के बीच में MOU को मंजूरी मिली है। उसके अलावा भारत और इसराइल के बीच में MOU को मंजूरी मिली है और ये MOU साइन किया जाएगा भारत और इसराइल के बीच हेल्थ एंड मेडिसिन के फील्ड में। ओके, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और इसराइल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है इस कैबिनेट मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर द ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की है ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके साथ ही नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF और उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन दोनों ने मिलकर ये ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज कराया था और इसे अध्यक्षता की है इस कॉन्फ्रेंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, साथ ही भारत से बिजनेस लीडर और डिसीजन मेकर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही लगभग विश्व भर के 20 सबसे बड़े पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही इसमें भारत के इन्वेस्टमेंट आउटलुक और भारत की इकोनॉमी पर भी डिस्कशन किया जाएगा और इस कॉन्फ्रेंस में इसमें भी डिस्कशन किया जाएगा कि जो भारत है उसको किस तरह से आने वाले समय में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। इसके अलावा जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं पूरे विश्व भर के और भारत के बिजनेस लीडर हैं, ये आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को और सुधारना है और किस तरह से भारत में और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लाना है, यानी इन्वेस्टमेंट के फील्ड में किस तरह से भारत को और भी ज़्यादा डेवलप करना है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। नेपाल सेना के जनरल के मानद रैंक से किसे सम्मानित किया गया है? तभी हाल ही में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने जी को नेपाल के जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के ऑनररी रैंक से कन्फर किया गया है, यानी उन्हें नेपाल सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है MM नरवाने जी को। और MM नरवाने हैं भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्हें इस रैंक से सम्मानित किया है नेपाल की प्रेसिडेंट जो कि हैं विद्या देवी भंडारी।
तो ये लगभग 7 दशक पुराना ट्रेडिशन है, यानी 70 साल पुराना ट्रेडिशन है, जहाँ पे भारत और नेपाल एक दूसरे के आर्मी चीफ को ये ऑनर देते हैं, ये सम्मान देते हैं इस टाइटल से। तो जो कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा थे, ये पहले इंडियन आर्मी चीफ थे जिन्हें ये टाइटल दिया गया था 1950 में। ओके, और बात करें नेपाल की तरफ से, तो पिछले साल जनवरी में जो नेपाली आर्मी के चीफ हैं जनरल पूर्ण चंद्र थापा, उन्हें भी ये सम्मान दिया गया था जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और बात करें नेपाल की, तो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, कैपिटल है काठमांडू और करेंसी है नेपालीज रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ ONGC विदेश। ONGC विदेश के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में AK गुप्ता जी बने हैं ONGC विदेश के नए MD और CEO। ओके, AK गुप्ता जी। तो ये जो ONGC विदेश है, ये ONGC का ही एक पार्ट है, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भारत का, ONGC लिमिटेड का ही जो ओवरसीज़ यानी विदेश का आम है, उसी का एक भाग है, उसे कहा जाता है ONGC विदेश, और इसी के नए MD और CEO बने हैं AK गुप्ता जी। और जो ONGC विदेश है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके साथ ही जो के पद्माकर जी हैं, ये अभी कुछ ही दिनों पहले BPCL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। जो सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं, सुरेश चंद्र शर्मा जी कुछ ही दिनों पहले जो नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया गया था, यहाँ के पहले चेयरमैन बने हैं। ओके, फर्स्ट चेयरमैन बने हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल के। उसके अलावा जो उषा पाढ़ी जी हैं, ये जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यहाँ की ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं, पहली महिला डायरेक्टर जनरल उषा पाढ़ी जी। और MD और CEO बने हैं ONGC विदेश के AK गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर एट गुरुवायूर इन केरला अंडर प्रसाद स्कीम। प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज टूरिज्म एंड कल्चर के प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इनॉग्रेट किया है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का केरला के गुरुवायूर में। और ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है, इसको स्थापित किया जा रहा है प्रसाद स्कीम के अंडर में, और इसकी लागत है 11.57 करोड़ रुपये, 11.57 करोड़ रुपये लागत है इस प्रोजेक्ट की। और जो प्रसाद स्कीम है, प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ओके, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा 2014 और 2015 में, और इसी प्रसाद स्कीम के अंडर में इस टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर को स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो प्रसाद स्कीम थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो भी भारत के टूरिस्ट वाले एरिया हैं, पिलग्रिमेज और हेरिटेज डेस्टिनेशन है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहाँ पे जो भी बेसिक ज़रूरी सुविधाएँ हैं वो प्रदान करना, जैसे कि रोड, रेल, वाटर ट्रांसपोर्ट, तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा कनेक्टिविटी, टूरिज्म फैसिलिटीज़ जैसे कि इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन सेंटर, ATM, मनी एक्सचेंज, इको फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइटनिंग, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बैंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें, जो भी बेसिक सुविधा वाली फैसिलिटीज़ हैं, इन सबको वहाँ पर स्थापित करना, जो भी टूरिज़्म वाली जगह है, हेरिटेज डेस्टिनेशन है वहाँ पर। तो इसी के लिए, इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रसाद स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा 2014-15 में। और प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। और बात करें केरला की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहें। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF या MP3 फाइल चाहिए, तो उसके भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ पार्टिसिपेटेड विद बांग्लादेश इन द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, दैट इज़
कैरेट, किस देश ने कैरेट नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास में बांग्लादेश के साथ भाग लिया है? तो अभी हाल ही में यूएसए की नेवी और बांग्लादेश की नेवी ने मिल के आयोजित किया है कैरेट एक्सरसाइज का, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है यानी नौसेना अभ्यास। कैरेट का पूरा नाम है कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ओके, कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, और इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था इस एक्सरसाइज को बांग्लादेश के चिटागोंग में। कहाँ पे? बांग्लादेश के चिटागोंग में। और इस एक्सरसाइज में जो यूएनओडीसी है, यूएनओडीसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, तो वो टेक्निकल असिस्टेंस और एजुकेशन देंगे मरीन क्राइम के बारे में और जो माइग्रेंट्स हैं उनके स्मगलिंग के बारे में। ओके, जो मरीन क्राइम है और स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट है, इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस और एजुकेशन दिया जाएगा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा। और बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। और यूएसए की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट में इलेक्शन चल रहे हैं प्रेसिडेंशियल, और यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर, और अभी तो आज के डेट में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन वोटेड एट मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया बाई एशिया मनी? किस बैंक को एशिया मनी द्वारा भारत में वित्तीय क्षेत्र की मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी माना गया है? तो अभी हाल ही में जो एशिया की एक जानी मानी पब्लिकेशन है एशिया मनी, कौन एशिया मनी, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया और वहाँ पे जो HDFC बैंक है, भारत के HDFC बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया के रूप में सबसे ज़्यादा वोट दिया गया है, यानी वित्तीय क्षेत्र में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी बनी है HDFC बैंक। इस सर्वे में लगभग 824 फंड मैनेजर, एनालिस्ट, बैंकर और रिसर्च एनालिस्ट ने अपने अपने वोट दिए। एशिया के लगभग 12 मार्केट से थे ये, और जो 12 मार्केट हैं ये कवर करते हैं चाइना, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलीपीन, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम को। तो इन कंट्रीज़ की 12 मार्केट से 824 फंड मैनेजर, एनालिस्ट, बैंकर्स और रिसर्च एनालिस्ट ने वोट किया HDFC बैंक को एज अ मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। और बात करें HDFC की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। MD और CEO इम्पॉर्टेंट है, अभी ही बने हैं शशिधर जगदीशन जी, इसके पहले थे आदित्य पुरी। आदित्य पुरी जी हाल ही में रिटायर हुए हैं और उनकी जगह नए MD और CEO बने हैं शशिधर जगदीशन, और चेयरमैन है यहाँ के दीपक एस पारेख। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। टैगलाइन भी ज़रूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 8th मीटिंग ऑफ इंडिया UAE हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट? निवेश पर भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में इंडिया UAE हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की 8वीं मीटिंग हुई है, और वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया है पीयूष गोयल जी ने, और वहाँ पर UAE को रिप्रेजेंट किया है शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने। किसने? शेख हामिद बिन जायद अल नहयान। और ये जो ज्वाइंट टास्क फोर्स है इसकी स्थापना की गई थी 2012 में भारत और यूए के बीच जो संबंध है उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दोनों ही देशों के बीच जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं उनको भी और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 2012 में इस हाई लेवल जॉइंट टास्क का स्थापना किया गया था, और हाल ही में इसकी 8वीं मीटिंग हुई है इस साल। और इस जॉइंट टास्क फोर्स में दोनों ही साइड्स ने डिस्कशन किया कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है दोनों देशों के बीच। और बात करें यूएई की, तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और इस मीटिंग में उनको यूएई को रिप्रेजेंट किया है शेख हामिद बिन
जायद अल नहयान और प्रेजेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ क्लिंच द सिंगल्स टाइटल इन द 15,000 US डॉलर ITF वुमेंस इवेंट इन इजिप्ट। मिस्र में $15,000 के ITF महिला टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF का एक महिला टूर्नामेंट हुआ था इजिप्ट में यानी मिस्र में, और ये था $15,000 का टूर्नामेंट और इसे जीता है भारत की ऋतुजा भोसले ने। ओके, ऋतुजा भोसले ने जीता है इस ITF महिला टूर्नामेंट के एकल खिताब को। उसके अलावा बात करें सोफिया केनिन की, तो इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता सिंगल्स कैटेगरी में। उसके बाद ईगा स्वियाटेक, इसके बाद ईगा स्वियाटेक इन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल कैटेगरी में, और नाओमी ओसाका हाल ही में इन्होंने जीता है US ओपन वुमेन सिंगल कैटेगरी में, और इस साल विम्बलेडन हुआ ही नहीं। ओके, पेंडेमिक के चलते विम्बलेडन इस साल नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन हुए हैं। और जो ऋतुजा भोसले हैं इन्होंने फाइनल में हराया है चेक रिपब्लिक की एना सिस्कोवा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इनिशिएटिव फॉर रिफ्यूजीज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल्स। किस राज्य ने हाल ही में शरणार्थियों एवं SC ST लोगों के लिए पहल की घोषणा की है? तभी हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वहाँ के रिफ्यूजीज़ और SC और ST समुदाय के लोगों के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वेस्ट बंगाल। तो ये इनिशिएटिव है मेनली रिफ्यूजीज़ यानी जो शरणार्थी हैं वहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए उनके लिए, उसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के लिए। तो उनको लैंड पट्टा दिए जाएंगे, उसके अलावा कल्चरल और डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे इनके लिए स्टेट में। तो इस इनिशिएटिव के अंडर में जो रिफ्यूजीज़ हैं, शरणार्थी हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब स्टेट में लगभग 125,000 लैंड पट्टा दिए जाएंगे, जिसमें से 25,000 लैंड पट्टा जो हैं वो रिफ्यूजीज़ यानी शरणार्थियों के लिए हैं और जो बाकी के हैं वो SC ST पॉपुलेशन के लिए हैं। इसके अलावा वहाँ पे कल्चरल और डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाए जाएंगे इनके लिए, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए गए हैं। तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। तो आइए मूव करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है सेकेंड बैच ऑफ 3 रफेल फाइटर जेट्स लैंडेड एट जामनगर एयरबेस इन गुजरात। तो अभी हाल ही में जो रफेल जेट्स आ रहे हैं उनका दूसरा बैच गुजरात में आया है, गुजरात के जामनगर एयरबेस में, और इस बैच में 3 रफेल जेट्स लाए गए हैं भारत में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कंस्टिट्यूट अ 4 मेंबर कमेटी हेडेड बाई शशि एस वेम्पति टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए शशि एस वेम्पति की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। नेक्स्ट है इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इन्हांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम उड़ीसा। तो अभी हाल ही में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है विजय सीतापति ऑथर द बुक जुगलबंदी द BJP बिफोर मोदी। तो हाल ही में विजय सीतापति जी ने जुगलबंदी द BJP बिफोर मोदी नामक पुस्तक लिखी है। लास्ट है उज्बेकिस्तान टॉप्स इन द गोल्ड सोल्ड बाई सेंट्रल बैंक लिस्ट बाई सेलिंग 34.9 टन्स ऑफ गोल्ड। तो अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने 34.9 टन सोना बेचा है, और इतना सोना बेच के वो जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनके सेंट्रल बैंक ने सोना बेचा है उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर आया है उज्बेकिस्तान, यानी उज्बेकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने सबसे ज़्यादा गोल्ड बेचा है 34.9 टन। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस सियोल पीस प्राइज 2020। किसने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू सलाइवरी ग्लैंड्स डिस्कवर्ड एट नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट रिसेंटली। हाल ही में नीदरलैंड के कैंसर संस्थान में खोजी गई नई लार ग्रंथियों का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ट्यूबेरियल ग्लैंड्स। ओके, तो अभी हाल ही में नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर के ऊपर रिसर्च चल रही थी, और वहाँ पर एक नई तरह की लार ग्रंथियों को खोजा गया है और उन लार ग्रंथियों को नाम दिया गया है ट्यूबेरियल ग्लैंड्स। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।